बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर के अंदर जो है डेटा रिप्रेजेंट किस तरह से, किस वे से, किस मेथड से जो है रिप्रेजेंट होता है, शो होता है, तो उसको हम देखेंगे आज। द कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर को ही अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है। बाइनरी मीन्स टू डिजिट्स। बाइनरी का मतलब होता है दो डिजिट्स, 0 और 1। ठीक है जी। देयर आर 0 एंड 1। एन इलेक्ट्रिकल पल्स इनसाइड द कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ईच बाइनरी नंबर। वन एन इलेक्ट्रिकल पल्स इनसाइड कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ईच बाइनरी नंबर। इलेक्ट्रिकल पल्स जो होता है कंप्यूटर के इनसाइड, वो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है। वन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इनसाइड द कंप्यूटर एंड 0 बाय एन एब्सेंस ऑफ ए पल्स। अच्छा जी, इसका जो है वन तब आएगा जब आपकी जो वेव, आपने देखी होगी जब वेव ऊपर की तरफ जाती है तो वन रिप्रेजेंट करेगा, और जब बिल्कुल स्ट्रेट होगी, स्मूथ होगी, तो फिर वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। जैसा कि मैंने डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ईच बाइनरी डिजिट इज़ कॉल्ड बिट। हर बाइनरी डिजिट जो होता है उसे हम बिट कहते हैं। इट इज़ दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा। ये डाटा का जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। ये हमने मेमोरी टाइप भी क्लासेस के अंदर पढ़ी थी, तो आपके माइंड में शायद ये चीज़ आ गई हो। अगला हमारा टॉपिक है इनकोडिंग ऑफ डाटा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला है। डाटा को इनकोड किस तरह से किया जाता है, इनकोडिंग और डीकोडिंग, ये हमने लास्ट देखा भी था, तो इसको देख लेते हैं। द कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स ओनली। कंप्यूटर जो है, जैसा कि हम जानते हैं, वो बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, उनके ऊपर काम करता है। देयरफॉर ऑल डाटा न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, चाहे वो डाटा न्यूमेरिक हो या नॉन न्यूमेरिक हो, मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डिजिट्स। उसको जो है बाइनरी डिजिट में वो कन्वर्ट करता है बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। जब तक कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा, अगर डाटा जो है बाइनरी में कन्वर्टेड होगा। कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड्स। कंप्यूटर जो है डाटा को कम्प्लीटली बाइनरी कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द डाटा शुड हैव सेम स्टैंडर्ड रूल्स फॉर बोथ टू अंडरस्टैंड इट। कंप्यूटर के अंदर जो है सेंडर और रिसीवर बोथ जो हैं दोनों, ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और डाटा की आपस में कम्युनिकेशन होती है। ए कोडिंग स्कीम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ए बाइनरी सिस्टम। जो कोडिंग की स्कीम होती है वो बाइनरी के मुताबिक होती है, 0 और 1 के मुताबिक। दैट इज़ यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ होती है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बिट्स 0 और 1। डेट रिप्रेजेंट करेक्टर्स। सम कोड यूज डिफरेंट नंबर्स ऑफ बिट सच एज 5, 7, 8 और 9 टू रिप्रेजेंट डाटा ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। ये आपको जो है आगे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आगे जाके। द फॉलोइंग आर सम कोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डाटा। ये आगे कुछ कोडिंग की स्कीम्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनको किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं उसको हम देखते हैं। नंबर वन है BCD कोड। BCD की एब्रीवेशन है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इज़ 4-bit कोड। ये 4 bits का कोड होता है। 4-bit का ये कोड होता है। ए फ्यू अर्ली कंप्यूटर्स प्रोसेस्ड BCD नंबर्स बट वर स्लोअर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ए मॉडर्न कंप्यूटर। जो पुराने जो टेक्नोलॉजी थी वो इस जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल को इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे इस टेक्निक को, लेकिन आजकल जो है ये इसके अंदर चेंज आ गया है। विच आर एबल टू प्रोसेस अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स। ये इस डेटा टाइप्स को अडॉप्ट करता था और इनके ऊपर काम करता था। नंबर टू है हमारे पास EBCDIC कोड। EBCDIC की एब्रीवेशन होगी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इज एन 8-bit कोड। ये 8 bits का कोड होता था या होता है। प्राइमरली यूज बाय इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। ये IBM के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो इस्तेमाल करती हैं। दिस टाइप इज इंटेंडेड फॉर
efficient transfer between hosts which use EBC DIC for their internal character representation. जो आपस की उनके अंदर जो है internal character को represent करते हैं वो ये technique use करते हैं. For transmission the data are represented as 8-bit ABC DIC character. The character code is the only difference between the functional specifications of EBC DIC and ASCII types. ये जो है इन types को follow करता है. आगे हम पढ़ते हैं ASCII क्या होता है. ASCII ASCII की abbreviation है American Standard Code for Information Interchange. ये code जो है 7-bit का code होता है. ये information को exchange करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Is a 7-bit code and makes 128 character combinations. ये 128 character के combination को read कर सकता है या समझ सकता है. American National Standard Institute ANSI is and can handle अल्फान्यूमेरिक डेटा. ये अल्फान्यूमेरिक डेटा को अंडरस्टैंड करता है समझ सकता है. अच्छा हमने लास्ट जो है डेटा टाइप पढ़ी थी तो उसके अंदर जो है अल्फान्यूमेरिक डेटा होता है ऐसा डेटा जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं उसे हम कहते हैं अल्फान्यूमेरिक डेटा. जैसा कि किसी के घर का एड्रेस होगा तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ सकेंगे. उसका जो है स्ट्रीट नंबर या मकान नंबर ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं. It is intended primarily for the transfer of text files. Expect with both host would find the EBC DIC type more convenient. ये जो है एक डाटा ट्रांसमिशन रेट बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है क्योंकि इसकी जो है डाटा सेंडिंग जो है रेंज जो है 128 बिट तक है. ठीक है जी. उसके बाद हम देखते हैं जी यूनिकोड. Universal code is a 16-bit code and can represent up to 65536. यानी 65536 symbols. ये इतने symbols को एक time में represent कर सकता है. Unicode has started to replace ASCII at all levels. ये इसने जो है ASCII को replace किया है यानी इसके अंदर change आया है इसकी वजह से. It supports a comprehensive set of mathematical and technical symbols to simplify scientific information with the UTF-8. अच्छा UTF क्या होता है. Unicode Transmission Format. यानी कि Unicode जो है कोड के अंदर जो ट्रांसमिशन का जो फॉर्मेट है उसका ये नाम है. Encoding. Unicode can be used in a convenient and backwards compatible way in environments that were designed entirely around ASCII. ये उन चीज़ों को या उन सिस्टम्स को या उनके रूल्स को फॉलो करता है जो ASCII स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं. तो होपफुली आपको इन इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसकी समझ लगी होगी. अगर आपको समझ नहीं किसी चीज़ की तो आप प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हैं. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.